जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 का महाकवरेज, किसको मिलेगा ग्रेटर, किसको मिलेगा हेरिटेज, कौन होगा आपके वार्ड का पार्षद, क्या होंगे चुनावी वादे। जयपुर नगर निगम की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर वार्ड से सीधे आप तक, सत्ता की सरकार मरुधर बुलेटिन के साथ। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड संख्या 39 में चुनाव प्रचार के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल, सुरेश मिश्रा, हरेंद्र पाल सिंह, शुभदेश सिंह चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी हिम्मत सिंह खाचरियावास के समर्थन में चुनावी रैली एवं जनसंपर्क कर जनसभा आयोजित की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां सबसे बड़ा जल भराव और ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है। हिम्मत सिंह खाचरियावास के जीतते ही हम सबसे पहले इन्हीं मुद्दों पर ध्यान देंगे। इतना ही नहीं, हिम्मत सिंह खाचरियावास अगर जीतते हैं तो आप हिम्मत सिंह खाचरियावास के पास नहीं विकास की उम्मीद लेकर हमारे पास पहुँचे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रास्ते में स्वागत किया। हिम्मत सिंह खाचरियावास चुनाव मैदान में। अभी सीताराम जी अग्रवाल ने आपके हाथ जोड़कर विनती की है। मैं एक बात आपसे गारंटी से कह सकता हूँ, मैं रास्ते में लोगों की बात सुनकर आया हूँ। समस्याएं बहुत ज्यादा है, समाधान होता नहीं है, क्योंकि बीजेपी को बिना मांगे वोट मिलता है। जब किसी को बिना मांगे वोट मिलेगा तो उसको घमंड हो जाएगा। आपके आगे क्षेत्रीय विधायक जी को बड़ा घमंड है कि मुझे अपने आप वोट मिलता है, मैं तो लिखवा के लाया हूँ। मैं खुल के आपसे कह रहा हूँ, यदि इस वार्ड का विकास चाहिए मैं आपको भरोसा देता हूँ। आज तक मैंने जयपुर में या राजस्थान में जब से मैं पढ़ता हूँ तब से जो बात कही है उसे करके दिखाया है। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि हिम्मत सिंह खाचरियावास को जिता दिया तो ये हिम्मत सिंह खाचरियावास की अकेले की जीत नहीं होगी, ये प्रताप सिंह खाचरियावास, सीताराम अग्रवाल, अशोक गहलोत की जीत होगी। अशोक गहलोत की जीत इसलिए होगी क्योंकि हाथ के निशान पर हिम्मत सिंह चुनाव लड़ता है। आज आप इनको जिताओगे, अखबार में छपेगा एक छोटा खाचरियावास और जीत गया तो बड़े खाचरियावास को तो आपको हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे, आपको काम करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे बारे में सब जानते हैं। आपसे मैं रास्ते में मैं वादा करके आया हूँ लोगों से, ड्रेनेज सिस्टम का, पानी का, वो सब मैं पूरे करूंगा। आपकी कोई भी समस्या होगी उन समस्याओं का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है। आपको हिम्मत सिंह को वोट दे के जिता देना, सारे काम मैं करूंगा, आपका सम्मान भी मैं करूंगा। इसलिए आप इनके चक्कर में मत आ जाना। बीजेपी वाले यदि जीत गए सीधा सीधा एक ही जवाब देंगे, वो ये कहेंगे सरकार हमारी नहीं है, मुख्यमंत्री हमारा नहीं है, हमारी तो चलती नहीं है, और वो घर बैठ के आराम करेंगे। लेकिन हिम्मत सिंह ये नहीं कहेगा, क्योंकि हिम्मत सिंह सरकार का प्रतिनिधि है। हिम्मत सिंह जीतेगा तो काम करना पड़ेगा। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमपी साहब है, पार्षद भी बीजेपी का है, पार्षद बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, तो काम नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान की सरकार कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी का पार्षद जीतेगा तो अशोक गहलोत जीतेंगे, और जीतकर कहेंगे जाओ वहां काम करो, आपके लिए मेरे घर का दरवाजा 24 घंटे खुला है। आप हिम्मत सिंह को जिताओ, आपका काम, आपका सम्मान और इस वार्ड का विकास मेरी जिम्मेदारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहले चरण में हेरिटेज जयपुर नगर निगम में चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। दूसरे चरण में ग्रेटर के 1 नवंबर को चुनाव समाप्त है। क्या क्या वार्ड 39 के मुद्दे हैं, क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर आज स्थानीय जरूरत है? देखिए, आज हमारे कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार से माननीय श्री प्रताप सिंह जी, खाचरियावास जी, सुरेश मिश्रा जी, सीताराम अग्रवाल जी पहुँचे थे, ताकि वार्ड 39 से एक ऐसे व्यक्ति को हम निगम में भेजे जो आमजन की भावनाओं को समझता है। 25 वर्ष से ये व्यक्ति यहाँ पे रह करके आमजन की सेवाएं कर रहे हैं लगातार। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिनको
25 वर्षों से आम जन के प्रति सेवा का भाव रहा है। रही बात है यहाँ वार्ड 39 में समस्याओं को जिक्र को लेकर के, आपको मैं बता दूं कि 15 साल से यहाँ से लगातार भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के MLA हैं, लेकिन काम के नाम पर यहाँ पे किसी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ। बाईपास से लगती हुई लगभग सभी कॉलोनियों में वाटर ड्रेनेज की एक सबसे बड़ी समस्या है। जल का भराव लगभग 8 से 10 फुट तक हो जाता है, लेकिन इन भाजपा नेताओं के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि इनको विकास के मुद्दों पे बात नहीं करनी होती है। इनके जो मुद्दे होते हैं वो उजुल फिजूल के मुद्दे होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ी है, और आज भी हम आम जन से हम यही अपील करते हैं कि आप कड़ी से कड़ी जोड़े। निगम में अगर हमारे पार्षद यहाँ से हिम्मत सिंह जी चुन के जाएंगे, राजस्थान में सरकार हमारी है, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। और आज कैबिनेट मंत्री श्री प्रताप सिंह जी खचरियावास जी ने ये कमिटमेंट किया है कि आने वाले दिनों में जो पानी का भराव है उस वाटर ड्रेनेज सिस्टम को स्वायत्त शासन विभाग से JDA के द्वारा उच्च अधिकारियों के द्वारा बैठ कर एक मीटिंग होगी और एक समाधान निकाला जाएगा कि समस्या का समाधान तुरंत नहीं हो बल्कि आगामी हो, अगले 15, 20 साल, 25 साल, 30 तक की समस्याओं का पुनर्जन्म नहीं हो, एक तत्काल रूप से समस्या का समाधान नहीं हो। जो समस्या का समाधान होगा वो आगामी वर्षों के लिए होगा। तो हमारी तो यही सबसे अपील है कि आप हिम्मत सिंह जी को जिताएं, ताकि निगम के अंदर एक कर्मठ व्यक्ति जाए, एक ईमानदार व्यक्ति जाए, एक ऐसा व्यक्ति निगम में जाके बैठे जो आम जन के मुद्दों को वहाँ पे रखे और वार्ड के सभी कार्य करें। हिम्मत सिंह जी, किन एजेंडों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा? विकास एक सर्वोपरि मांग है, 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, क्या आपका एजेंडा है, किन एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं? एजेंडा तो विकास का ही है, सेवा करने का है। सेवा करने का एजेंडा है, एजेंडा है। एक भी पार्क की आप तो खुद पत्रकार हैं, या 6 पार्क, 6 पार्क की आप स्थिति खुद देखें, रोडों की स्थिति देखें, पानी की स्थिति, जैसे अभी बरसात में आई थी 14 तारीख को, कैसे पानी हो गई यार, गाड़ियाँ तक बैठी हुई और कई दिनों तक पानी भरा रहा। विकास का है, सरकार है, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। भाई साहब है प्रताप सिंह जी, सीताराम जी, हम सब मिलके क्षेत्र का विकास करें। मेन समस्या जो है, या 8-10 कॉलोनियाँ तो ऐसी है कि जो नियमन से वंचित है, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। सबसे पहला काम तो अपना सरकार से दबाव डला के कैसे भी हो नियमन को, नियमन की समस्या को दूर करना है, नियमन कैंप लगवाने हैं।